प्रथम चरण के मतदान के लिए आज प्रचार थम जाएंगे। मतदान से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। पटवारी ने कहा कि अमित शाह छिंदवाड़ा में रात रुके, हर दर्जे की अराजकता प्रदेश में देखी गई, पूर्व मुख्यमंत्री के घर छापे डाले गए, यह इससे पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के लोगों को भाजपा में ज्वाइन कराने के पीछे यह मैसेज था कि हमारे पास प्रशासन है, उसका हम दुरुपयोग करेंगे। रेत परिवहन वाले लोग जिन्हें डराया जा सकता था उन्हें ले गए। पटवारी बोले कि मैं प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि भाजपा ने जो गारंटी दी थी जिसमें गेहूं धान की MSP 2700 से 3100, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, लाडली बहनों को 3000 रुपए की बात की थी जो नहीं हुआ। अगर आपके बेटे को रोजगार मिला हो तो मोदी को वोट बनता है, लेकिन नहीं मिला तो विचार बनता है। कांग्रेस की नई टीम को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद ये स्थिति कि हम चुनाव हारे थे, 3 महीने हमने बहुत मेहनत की है, पार्टी को उभारने का काम किया, लोकसभा चुनाव के लिए तैयार किया गया, सबने सामूहिक रूप से प्रयास किया, पूरी पार्टी एक साथ है, रिजल्ट जनता की भावनाओं के अनुरूप आएंगे, हमारी टीम बनेगी और योग्य लोगों को लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का जब मैं अध्यक्ष बना, एक ऐसी परिस्थिति थी जब हमारा चुनाव हारे थे, जीत गया था, 3 महीने लगातार बहुत मेहनत हुई है पार्टी को रनअप करने के लिए, इन परिस्थितियों से उभारने के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा करके चुनाव जीतने के लिए, और सब ने सामूहिक रूप से इसमें प्रयास किया है। कोई जीतू पटवारी अकेले का इतना मादा नहीं है, पूरी पार्टी एकजुट एक साथ एक स्वर में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, और रिजल्ट आएंगे तो ईश्वर करेगा जनता के भावनाओं के अनुरूप रिजल्ट भी आएंगे, तो स्वाभाविक रूप से टीम बनेगी, तो योग्य लोगों को उसमें दिया जाएगा।